तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, ठीक है, void main, get ch, हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्रॉब्लम क्या है हमारा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा, कि हमें फाइंड करना है नेट सैलरी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया हमारे पास, इफ एम्प्लॉय हैज सैलरी अबाउट 10,000 देन इट शुड पे इनकम टैक्स ऑफ 10% ऑफ इट्स ग्रॉस सैलरी, ठीक है, एंड कैलकुलेट नेट सैलरी। तो हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है सैलरी, ठीक है, मतलब सैलरी मतलब वही ग्रॉस सैलरी है वो, ठीक है, ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। हम लोग को उसको इनपुट लेना है, ठीक है, जितना भी हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ मान के चलो हम लोग 11,000 देते हैं, ठीक है, तो 11,000 का 10% क्या देना पड़ेगा उसको, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, इनकम टैक्स पे करेगा 10%, देन उसमें क्या करेगा, इनकम टैक्स को माइनस करेगा किससे, नेट सैलरी से, नेट सैलरी से माइनस कर देंगे, देन उसके बाद क्या होगा, हमारा नेट सैलरी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, मैं फ्लोट में सैलरी, ठीक है, इनकम टैक्स और नेट सैलरी, तीन में वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तीनों का तीनों मैं किस में लिया हूँ, फ्लोट में लिया हूँ, ठीक है। मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट हम लोग किस में लेंगे, सैलरी में हम लोग इनपुट लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंटर। माइक किसका ऑन है, माइक म्यूट करो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंटर सैलरी, ठीक है। स्कैनएफ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, परसेंट एफ कॉमा, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे एम परसेंट सैलरी, ठीक है, सैलरी हमारा मिल गया। अब हम लोग का कंडीशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से सैलरी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखते जाओ, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, देन व्हाट, फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, हम लोग को कैलकुलेट करना है 10%, ठीक है, 10/100, ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे सैलरी से, तो हम लोग को 10% मिल जाएगा, और इसको हम लोग किस में डाल देंगे, इनकम टैक्स में डाल देंगे, इनकम टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एल्स में आ जाते हैं, ठीक है, else में अपन फिर क्या करेंगे, अगर जो हमारा सैलरी है वो लेस देन 10,000 होगा तो क्या होगा, इनकम टैक्स इक्वल टू 0.0f, ठीक है, 0.0 रहेगा, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, ठीक है, जो हमारा सैलरी है नेट हम लोग को वैसा ही मिलेगा, कुछ भी इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, हम लोग प्रिंट क्या क्या करेंगे, सैलरी प्रिंट करेंगे, ठीक है, ग्रॉस सैलरी इतना, यहाँ परसेंट डी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग सैलरी, और हम लोग प्रिंट एफ में यहाँ पे इनकम टैक्स यहाँ पे प्रिंट करेंगे,
ठीक है, इनकम टैक्स परसेंट एफ, सॉरी यहाँ पे भी परसेंट एफ होना चाहिए क्योंकि सभी फ्लोट में हम लोग यहाँ लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स, ठीक है, और नेट सैलरी, प्रिंट एफ, ठीक है। नेट सैलरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैश एन यहाँ पे हम लोग देते हैं नेट सैलरी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंट एफ, कॉमा देके हम लोग क्या करेंगे, सैलरी माइनस माइनस इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे दिए, और सभी मैं स्लैश एन में ऐड कर देता हूँ। ओके, इनको मैंने ऐड कर दिया, इसको सेव करते हैं सैलरी डॉट सी में, और इसको हम लोग करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, और हम लोग इसको करते हैं रन। किसका माइक म्यूट नहीं है, मैं यहाँ सैलरी डाल रहा हूँ 12,000, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे क्या आया 12,000, इनकम टैक्स 00, नेट सैलरी 12,000, क्यों ऐसा आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं इसको।